कम आयु के होते हैं उनसे उनका बचपन खेलकूद शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रुपयों में काम कराकर शोषण करके उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बाल श्रम कहलाते हैं। आज हम सातवीं कक्षे के बच्चे बाल श्रम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 15 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। भारत में बाल श्रम व्यापक स्तर पर है। इसे रोकने के लिए 1986 में बाल श्रम निषेध नियम और अधिनियम पारित किया गया है। इस नियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गैर कानूनी है। हम सब भारतीयों को इस नियम का पालन करना चाहिए और बाल श्रम को रोकना चाहिए। नमस्कार। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक व्यक्तियों आए थे, उनमें से एक था कैलाश सत्यार्थी। उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गए हैं सारी गेंदे? क्या डीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई है सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में दह गई है सारे मदरसों की इमारतें? हेलो, आई एम अश्विता हरी फ्रॉम सैम्बी। टुडे आई एम हियर टू शेयर सम कोट्स ऑन चाइल्ड लेबर। बाल मजदूरी है मानवता पर कलंक, इसे रोककर बनाओ समाज को अकलंक। ऐसी कौन सी लाचारी जो बच्चों से खींचे आजादी? बाल मजदूरी हटाओ, बच्चों का बचपन बचाओ। बच्चों को पढ़ाओ, बाल मजदूरी हटाओ। बच्चे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। थैंक यू। हम कई निबंधों से सुनी है ना बाल मजदूरी के, तो बाल मजदूरी के प्रथम कारण है गरीबी। तो जब हम गरीबी को मिटाए गए तब बाल मजदूरी भी गायब होगा। तो आपसे तो परिश्रम कर लो ये गरीबी को मिटाने के लिए, तो बाल मजदूरी भी गायब होगा। परिश्रम की फल मिटा ही होगा। वो फल है, वो मीठा फल है, वो बच्चों बाल मजदूरी कर रहे हैं ना, वो बच्चों को एक सुंदर बालखाल मिलेगा। तो रुको ये बाल मजदूरी को। धन्यवाद।